आज है मेरी 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 क्रिसमस और मैं सेंटा क्लॉस खड़ूस सेंटा क्लॉस आप सभी का स्वागत करता हूँ। खड़ूस सेंटा क्लॉस नहीं होते, मैं सेंटा हूँ और मैं खड़ूस सेंटा क्लॉस होते है ना। हो चलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पेज पर। और आज मेरी क्रिसमस तो है ही, और आज अटल जी का भी जन्मदिन है, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्मदिन है, और आज तुलसी दिवस भी मनाया जा रहा है हमारे देश में। तो ये भी एक महापर्व है, तो तीन तीन चीजें, तीन तीन महापर्व एक साथ हो गए हैं। और साथ में हम लोगों ने अपना ये एक क्रिसमस ट्री भी तैयार किया है जो मेरे पीछे है, अभी हम आपको दिखा देंगे अभी इसको पास से। और साथ में डैडी भी हैं और छोटा सेंटा बैठा हुआ है और मम्मी भी बैठी हुई है। तो आपकी कुछ यादें हैं क्रिसमस से जुड़ी हुई, और आज क्योंकि अटल जी का भी जन्म दिवस है। ऐसा है कि जहाँ पैदा हुए थे, हाँ, सिकंदराबाद जिला बुलंद शहर, वहाँ पर ईसाई बहुत कम थे। हाँ सही बात। कम क्या थे, मतलब उंगलियों पे गिन लो ऐसे। अच्छा, कोई चर्च नहीं था। लेकिन एक इंग्लिश लेडी थी, मुझे आज भी याद है, उनका नाम था मिस वॉका। तो वो भारतीय थी या नहीं? अच्छा। इंग्लिश थी। अच्छा अच्छा। और यही रह गई थी, और वो दो चार जो क्रिश्चियन थे वो वहीं पर अपना वो प्रेयर करते थे। अच्छा, मैं मतलब शुरू से कुछ खोजी प्रवृत्ति का रहा हूँ, तो मैं वहाँ जाने लगा। मिस मौका मुझे इंग्लिश पढ़ाने लगी। अच्छा। तो बस उनके साथ बैठते थे, तो वो मुझे बिस्किट देती थी। अच्छा। कॉफी बनाती थी और खुद डबल रोटी पे मक्खन लगा के ये करती थी, मुझे खूब अच्छी तरह से याद है। और बिल्कुल मदर की तरह से अच्छा आपके उनका साथ था। मेरे प्रति स्नेह अनुराग था। तो वहां से मुझे लगा कि इनके यहाँ दया बहुत है, मर्सी मर्सी, और दया के ही देवता माने जाते हैं ईसा मसीह। ईसा मसीह करुणा, ये उनका। और ये मैंने मिस वॉका में देखा। जो आपका सबसे पहला एक्सपीरियंस था? हाँ, मतलब उस वक्त हाँ। तब तक मतलब मैं इतना छोटा था, तब तक ये पता नहीं था कि हम गुलाम हैं। हाँ। तो छोटी जगह थी सिकंदराबाद, धीरे धीरे जागृति आई कि हम लोग गुलाम हैं। बाद में मिस वॉका वहां से चली गई थी। वो नन थी क्या? नन तो नहीं थी, पहले रही हो तो रही हो, वहां वो अकेली रहती थी। अच्छा। और जो क्रिश्चियन परिवार था वही उनका परिवार था। तब तक वहाँ पे कोई चर्च नहीं था? कोई चर्च नहीं, मेरा ख्याल है सिकंदराबाद में आज भी चर्च नहीं है। सिकंदराबाद में 50-50 की आबादी है। अच्छा। हिंदू और मुसलमानों। अच्छा अच्छा। और आपस में उनमें मेल बहुत है। हाँ, हाँ, हाँ। बहुत प्रेम प्यार है। कोई मतलब हम 16-17 साल की उम्र तक हमको यही पता नहीं लगा कि ये जहूर मोहम्मद है। ये वकार अहमद है, समझे? हमको तो उसके बाद में मालूम हुआ कि ये मस्जिद है, ये मंदिर है। एक गुरुद्वारा था छोटा सा, वहाँ के भट्टागढ़ थे। अच्छा। जो नियंग हुए थे, नियंग इनके सरदारों के वो होते हैं। तो वहाँ पर मैं, एक ही परिवार था, कभी म्युनिसिपैलिटी में वो ओवरसियर रहे थे, वो वही बस गए थे सरदार। और ये भट्टागढ़ इन्होंने अपनी जमीन दे के वहाँ पर ये अरदास पूजा पाठ वो होने लगा था।
तो हमने हर चीज जो है छोटे स्वरूप से ली और थे सब जैन भी थे, जैन दोनों तरह के थे, श्वेतांबरी भी और दिगंबरी दोनों के मंदिर अलग थे। तो इस तरह से मस्जिदें थी, ये बाद में मालूम हुआ कि सुन्नियों की मंदिर मस्जिद अलग होती है, वहाँ पे वो अलग अलग थे। तो ये सब हमने देखे थे। आपने एक वो युग भी देखा है जिसमें इंटरनेट या कोई जमाना नहीं, इस तरीके की चीजें नहीं हुआ करती थी, और आप आज का युग भी देख रहे हो जिसमें इंटरनेट के द्वारा हर त्योहार हर जाति मना रही है। है ना, हर हर किसी को, क्योंकि बहुत समय पहले अगर लगभग 30 या 35 साल पहले भी जाए तो इस तरीके का क्रेज नहीं होता था। जैसे आज भी रिद्धिमा को लेके, रिद्धिमा को ये था क्रिसमस है, क्रिसमस है कल से लगी। हाँ, ये वाली जेनरेशन जो है इनको इनको ये सब कुछ इंटरनेट के थ्रू पता चलता है। आपने वो भी जमाना देखा है जिसमें इंटरनेट भी नहीं हुआ करता था, तो वो सद्भाव और प्रेम की भावना कैसे आती थी मतलब लोगों में? वो कम ज्यादा थी। अच्छा, ये भी बता दो। दिखावा नहीं था, दिखावा बिल्कुल नहीं था। और न्यूज के लिए अखबार हर घर में नहीं आता था, रेडियो हर घर में नहीं था। ठीक बात है, बिजली तक हर घर में नहीं थी। ये भी अगर न्यूज सुननी होती थी तो बड़े बाजार में जाते थे, म्युनिसिपैलिटी से रेडियो पे बाइक लगा देते थे तो वो सुनते थे। अब आप देव की रंजन पांडे से हिंदी में समाचार सुन, ये अभी तक याद। अच्छा, तो वो जमाना और आज के जमाने में मतलब आपको कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेरे को अब कितनी दिक्कतें हो रही हैं? नहीं, आपको ये लगता है कहीं बच्चों का बचपन इस चीज में खो गया है? मतलब आज भी बच्चा कोई है, बच्चा जो है डिवाइस लेके, मतलब जैसे हमारे भी टाइम में ये होता था कि खेलना कूदना ये सब कुछ हम एंजॉय करते थे। आपको नहीं लगता आज का बच्चा एक उसमें ही सीमित हो गया, एक डिवाइस में सीमित रह गया? बच्चा नहीं, पूरी दुनिया सीमित हो गई है आपके हाथ में, पूरी दुनिया। और मेरे जैसे लोग, मेरे जैसे लोग वो अपाहिज, मैं तो खैर वैसे भी मतलब परकैच जिन्हें किया कहते हैं वो हो गए, हाथ में कंपन है ना, और लोग फटाफट उस पर करते हैं, अब मैं कर नहीं पाता। और तुम लोगों की वजह से कोई नौकर भी नहीं रख सकता जो इस काम को करे। अच्छा ठीक है, अब मैं कुछ तो ये चीज है, अब ये इतने परफेक्ट है, तुम लोग इतने परफेक्ट हो, तुम चैनल चला रहे हो, और हम तो तब चैनल इसी को समझते थे, टीवी। टीवी जो है बहुत दिन बाद, अच्छा, तो छोटे छोटे थे तब हम घर पर लाए थे दिल्ली में। आज अटल जी का भी बर्थडे है, अरे उनके साथ कोई स्मृति याद आ रही है? अटल जी जनजात महान थे, और उनको ये बात बहुत बाद में मालूम हुई कि मैं बचपन से ही उठता फैन था। डॉक्टर स्वामी शरण भट्टागर थे हमारे बराबर में, जिन्होंने जनसंघ की और आरएसएस की सिकंदराबाद में स्थापना की। तो सिकंदराबाद में कोई होटल वोटल तो थे नहीं, घरों पर ही ठहरते थे, तब ये जाते आते थे। तो डॉक्टर स्वामी शरण भट्टागर हम उन्हें भैया बोलते थे। अच्छा, तो वहाँ ठहरते थे तो वे जाके तो मुझे भैया बहुत प्यार करते थे। तो बस अटल जी वहाँ जाते थे, उस टाइम इनका नाम होने लगा था भाषण में, इसमें कविता का तो मुझे बाद में मालूम हुआ कि ये कविता भी करते हैं और बढ़िया कविता करते हैं। और तो वहाँ पर मैं इनको चाय वाय भी पिलाता था, छोटा था तो तब बच्चों से ही काम लिया जाता था, तो चाय वाय पिला के ये बात मैंने उनको बहुत बाद में बताई। अच्छा, उन्हें तो मैं लाल किले में जब आ गया पूरे देश में मैं घूमने लगा तो नाम हो गया था। एक कवि की
जो स्थापित कवि होता है मंच का, उनमें मेरा नाम हो गया था। हाँ, तो पंडित गोपाल प्रसाद व्यास के लड़के बहुत ही बड़े कवि है वो। एक जमाने में उन्होंने प्याज पर कविता लिखी थी। हाँ, और सरकार उलट उलट गई। उनका नाम है गोविंद व्यास। हाँ, हाँ। और तुम्हारे तो चाचा जी। हाँ। तो क्योंकि मुझे व्यास जी ने पुत्र की तरह पाला, अपने घर पे रखा, जितना मेरे पे निभाया जा सका मुझे और भी करना चाहिए था, लेकिन मेरी भी मजबूरियां थी। तो उसके बाद में एक दिन जहाँ मैं काम करता था, नौकरी करता था, तो 1 बजे के बाद हम जाते थे, तो गोविंद व्यास आए। गोविंद व्यास टाइम MA कर रहे थे। अच्छा। हिंदी में। और हॉस्टल में रहते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अटल जी वहाँ जाया आया करते थे, तो मेरे पास अचानक गोविंद लाए। उनसे बोले, संतोष चलो तुम्हें अटल जी बुला। अच्छा। तो मैं तो चौंक गया। हाँ। कहाँ बुला रहे थे? वही हॉस्टल में। अब हम नहीं थी। और अटल जी जो बिल्कुल सफेद वस्त्रों में, अच्छा, अरे खिला हुआ कमल की तरह खिला हुआ चेहरा, मसीहा की तरह मेरे सामने, वाकई मसीहा थे। हाँ, वाकई। उनकी कविताओं में देखो। हाँ, हाँ, हाँ। सारी कविताओं में। तो अब मुझे क्या पता था मेरी कविताओं से ये इतने प्रभावित। तो वहाँ पर बस हम लोग बैठ गए, मुझसे कविताएं सुनते रहे। अच्छा। घंटों बैठे। फिर मैं वहां से चला आया। फिर एक बार ऐसा हुआ कि लाल किले में मैं बंबई से आता था, तो रास्ते में ही कविता लिखता आता सभी भी मिलता था। हाँ, हाँ। लाल किले के लिए कुछ और तौर से लिखनी पड़ती थी, क्योंकि हमको जनता से जुड़ना होता था। हाँ। तो मैं जा रहा था, अटल जी वहाँ उद्घाटन करके गया, वापस हो रहे थे। बोले, आपने कविता पढ़ी? तो मैं उन्हें गुरुदेव बोलता था और वो मुझे कवि जी बोलते। बोले कि मैंने कहा, गुरुदेव मैं तो आ रहा हूँ अभी बम्बई से, घर भी नहीं गया हूँ। बोले, अच्छा, वापस हो गए। अच्छा, सुनने के लिए। हाँ, देखिए कितने महान आदमी। तो वापस हो गए, वहाँ बैठे, मुझसे जल्दी कविता पढ़वा दी गई। और कविता वंस मोर, वो तो होता ही था। जब हुकी होती थी तो व्यास जी मुझे ही खड़ा करते थे, बोले कि आप करके दिखाओ, ये शब्द होते थे। यही तो। हाँ। ये सारी चीजें तो पता नहीं कहाँ विलुप्त हो गई हैं। हाँ, तो वहां से फिर अब तो मतलब ये है कि आपके पीठ की पीठ है। सही बात है। कुछ अजीब सा वातावरण है, कविता का है नहीं। कविता का है नहीं। कविता तो हृदय से निकलती है अपने आप, फव्वारे की तरह फूटती है, शब्द अपने आप आते हैं विचारों के साथ, वो होती है कविता। और ये सब मेरे भाग्य में। और मैं कभी भी मतलब जब घर जाता था तो शिव कुमार जी, आज है नहीं है, मैं चलना फिरना मेरा एक तरह से वो हो गया है, ये मूर्ति अब क्या रोबली लेती, उन्होंने अटल जी की सेवा में जाना। जब मैं जाता था पहले शिव कुमार जी, इतना याद आते हैं अटल जी को, ये देश तो भूलेगा ही नहीं, ये दुनिया नहीं भूलेगी। नहीं, बिल्कुल। और मेरे तो हृदय में है। उस समय मतलब ये इनकी सरकार भी नहीं थी, तो सरोजिनी महिषी
डिप्टी एजुकेशन मिनिस्टर थी और वेंकटरमन शिक्षा मंत्री थे, तो गोपाल प्रसाद व्यास जी मुझे पार्लियामेंट ले गए, तो वहाँ के सेंट्रल हॉल में हिंदी दिवस मनाया गया था पहली बार। अच्छा, अटल जी वहाँ थे। मैंने जो कविता पढ़ी उसे अटल जी हर एक से उदाहरण दे के बोलते। अच्छा अच्छा। लोग और उस दिन वो एक दिन पहले मुझे व्यास जी ने कहा कल तुझे चलना है मेरे साथ और कविता तैयार कर ले। मैंने अभी वो एक साल पहले ही कहीं इंटरनेट से बड़ी मुश्किल से निकाली थी वो कविता। मेरी भाषा सबकी भाषा हिंदी भाषा है। आज तुलसी दिवस भी है हम लोगों का, जो जिस जाति से हम है आज उनका भी बड़ा दिवस है। तुलसी दिवस देश भर में मनाया जा रहा है और हम लोग भी तुलसी ले ही आए हैं, एक नई तुलसी आ चुकी है हमारे घर में, तो क्योंकि पूजा पाठ तो हमारे घर में हमेशा से ही रहा है। तो मम्मी आज कैसा लग रहा है, पूजा हो गई तुलसी जी की? हो गई, तुलसी नई तुलसी लेके आए हैं आज मम्मी। हाँ, यहाँ बता रहे हैं क्योंकि हमारे पता भी नहीं था, लेकिन शाम को पता चले। यंग टाइम तक भी मैंने डैडी को बाहर ही देखा है, अभी 8 साल भैया माँ से ही ज्यादा लगा हो रहा है। नहीं लगाव तो से ही बराबर है, लेकिन बाहर क्योंकि व्यस्तताएं बहुत रहती थी। अब हाँ भैया जब से गया है तो आपने सीमित प्रोग्राम अपने कर दिए हैं, बहुत ठीक है। अब एक उम्र का भी है और दूसरा क्या होता है ना कि आप हमेशा अपनी शर्तों पर, और अब नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए और मौलिक सोच के साथ कविता लानी चाहिए। वो बचपन से ही क्या होता था कि घर का जो माहौल रहा है वो एक पूरा पूजा पाठ उस तरीके का रहा है। तुम्हारी दादी भी हाँ वही पीछे से जो दादा तो वो परदादा तो वो दादा दादा तो भजन के शाम को तो संध्या करते ही थे। पूरा ही मतलब हमारा जो परिवार है पूरा ही एक वो स्पिरिचुअल है पूरी हमारी फैमिली। तो मैंने तो बचपन से कोई भी त्योहार होता है तो एक बड़े हर्षोल्लास से मनाते हुए देखा है। तो आज तुलसी दिवस है, पूजा पाठ कर लिए कन्हैया जी की, सब कुछ आपने कर लिया। कन्हैया जी हैं, सब देवी देवता हैं। आपको मालूम है तुलसी कितने प्रकार की होती है? दो मुझे प्रकार की होती है, रामा और श्यामा दोनों है। अच्छा मुझे इनकी मम्मी की एक बात, आप भी ये इनकी जो सबसे अच्छी बात है, आजकल की जनरेशन है भगवान को लेके बहम बहुत करती है, ये भगवान इतना नहीं होना चाहिए, भगवान इतना नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी माँ को ये देखा है कि बचपन से, क्योंकि आपका एक ऐसी फील्ड रही है कि अनगिनत तो देवी देवता आए होंगे घर में, कभी इन्होंने किसी को दिया नहीं है और इतना मतलब इतना एक भगवान के कई 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 इन्होंने कभी बहम नहीं किया। तो आप कुछ कहना चाहोगे जैसे आजकल के लोग जो बच्चे लोग जो देखो, मैंने शुरू से ही बहम नहीं किया किसी चीज में, मन साफ रहता है। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, अगर मैं भला नहीं चाहती तो उसका बुरा भी नहीं कर सकते। मैं प्रभु से मैं यही कहती हूँ, हे प्रभु तू खाने पहनने को तू सबको देना, सबको खुश रखना। हम लोगों ने हमेशा दूसरों के लिए सोचा, तो मन में मेरे कोई बहम नहीं रहता, हर देवी देवता को पूछती। यही तो मैंने बल्कि दूसरा हम समझते नहीं, ये सारा समाज हमारा है, कहीं भी इसके एक अंग है। पीर बाबा पे भी जाएंगे, उसमें भी जाते हैं, ये क्या नाम है इनका, गुरुद्वारे भी जाते, गुरुद्वारे में भी जाते, सब जगह मतलब गिरजाघर जो पूजा पाठ है वो हमारी भगवान एक ही है, भगवान सबके एक ही है, किसी भी तरह उनको हमको और कंठस्थ है सारी चीजें। भगवान कोई अलग अलग नहीं है, भगवान तो एक ही है सबके, लेकिन रूप अनेक है, किसी भी तरह से पूछ लीजिए और थोड़ा मन को साफ रखो। मैं कुछ बोल लूं? हाँ बोलो भाई, आपका तो बोलने का दिन है। हम भी चाहेंगे कि आज सेंटा को थोड़ा चुप कर दिया, हम लोग अपने पिछली मेमोरीज को याद कर रहे थे अभी छोटा, क्योंकि इसी ने सारा मेरे पीछे, मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देख सकते हो आप, ये इसने डेकोरेशन किया और आज जाना था। बेसिक थिंग तो ये है कि मम्मी ने आधे से ज्यादा सेटअप किया, अभी दिखाएंगे क्या क्या तैयारी की है। अब भाई लड़ी, भैया लड़ी तो मेरे बस की बात नहीं है, भैया मैं लाइट नहीं लगा सकती, भैया वो यही कर। मुझे क्रिसमस के बारे में कुछ बताना है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहीं से सुना, अगर ये बात गलत हो तो माफ करिएगा,
मैंने कहीं से सुना है कि जीसस क्राइस्ट के पिता थे सेंटा, यानी कि यीशु के पिता सेंटा थे, जिनको बचपन से बुढ़ापे से शौक था कि उनको छोटे बच्चों को गिफ्ट देना था। उनको किसी ने किसी प्रकार से सुपर पावर मिली थी जिसके जिसके प्रति वो जाके कुछ बच्चों के लिए स्लेट पे जाते थे। अब वो पता नहीं कहाँ से आ गया कि स्लेट उड़ने लगी। ये आप सबको भी इसने क्वेश्चन दे दिया है ना, क्वेश्चन दे दो क्या ये सच है कि आप अपना प्रश्न दे दो और उनसे उत्तर मांगो। प्लीज कमेंट कर देना। नहीं नहीं, आप दोबारा से अपने क्वेश्चन को उनको समझा। क्या ये सच है कि यीशु के पिता सेंटा क्लॉस थे? ये रिधिमा का सवाल आपसे है कि क्या सेंटा यीशु के पिता थे, यानी ईसा मसीह के वो फादर थे, पिताजी थे? तो आप इसको उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ये इंतजार करेगी। अभी धीरे धीरे क्या है, इसमें कॉन्फिडेंस बहुत है, समझाती मुझसे भी बहुत अच्छा है, इसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। तो इसने जो आपको प्रश्न दिया उसका उत्तर आप इसको दे दीजिएगा और कल तक लाइन लगा दीजिएगा, वरना ही रात भर उसी में लगी रहेगी क्योंकि कल इसको स्कूल भी जाना है सुबह। तो इसी तरीके से हंसते खेलते रहिए क्योंकि जीवन में खुशियां तो बहुत है और परेशानियां भी देखिए उससे ज्यादा ही होती है। और हमारी जीवन में तो परेशानी आगे चलती है लेकिन हम गिने चुने लोग इकट्ठे होके उसी में से एक खुशी तलाशने की कोशिश करते हैं और उसी को उसी से खुश हो जाते हैं। और ऑनलाइन मेरी गाड़ी सूख गई। कोई बात नहीं, दोबारा गई अभी जवान नहीं होना चाहता। और ये हमारी कौन सी फैमिली है? हमारी कौन सी फैमिली है? ऑनलाइन फैमिली। ऑनलाइन अच्छा, ऑनलाइन फैमिली वालों ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि अपनी परेशानी दूसरे को परेशान करने के लिए जाहिर ना करें। यही क्वालिटी रखनी चाहिए, हमेशा मुस्कुराते रहो, जिंदा दिल रहिए। हाँ, अपने ऊपर रहिए, अपने ऊपर, क्योंकि परेशानी हमको ही हमको हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी बात कही है और मैं तो शुरू से इस चीज का मानने वाला हूँ। अपने गीतों में भी मैंने बोला आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर, मुस्कुराओ, अपनी परेशानी से दूसरे को परेशान ना करो। सही बात है। तो अभी हमारा आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म होगा और हम फिर से आएंगे, आप लोगों से रूबरू होंगे और क्योंकि आप हमारी एक और फैमिली बन गए। दो दिन ब्लॉग नहीं बनता है तो आप भी कहने लगते हो मेरी ऑनलाइन फैमिली कहाँ पर है। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सब खुश रहिए और जैसा कि देश में अब पता चल रहा है कि कोविड की लहर दोबारा से आ रही है, आप सब इसमें तत्पर रहिए। वो खुद ही कह रहे हैं कि आप घबराइए नहीं लेकिन अलर्ट रहिए, सावधान रहिए और जो भी प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कीजिए अच्छा अपने लिए भी सबके लिए। एक फनी बात करनी है, अगर सेंटा की टोपी को खड़ा कर दो तो क्या वो हैलोवीन की चुड़ैल जैसी टोपी लगेगी? अरे वाह, अच्छा क्वेश्चन। देखो मैंने की थी अभी, मैं बीच में मैंने करके सोचा भी था ये देखो और अब ये देखो। तो चलते हैं और सब लोग अपना ध्यान रखिए और मीठा मीठा मुंह कर लीजिए क्योंकि तीन तीन बड़े दिवस हैं आज। और अब जब तक दूसरा ब्लॉग बनेगा तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।